चैनल, मैं हूं अनु छाबड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो है इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल। मेरे लास्ट मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने बहुत सारे मेकअप ब्रशेस का यूज किया था, तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने बहुत सारे मेकअप ब्रशेस यूज किए हैं और मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैंने कौन से ब्रशेस यूज किए हैं। तो आज मैंने ये आई मेकअप सिर्फ 4 ब्रशेस को यूज करके किया है, जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप मेकअप में नए हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से मेकअप ब्रशेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। बने रहिए मेरे साथ, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स आज इन 4 मस्ट हैव आई मेकअप ब्रशेस की। अगर आप राइट टेक्निक यूज करते हैं तो आप इन मेकअप ब्रशेस की हेल्प से कोई भी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी आई मेकअप को करने के लिए। ये आपके पास होना ही चाहिए। ये एक राउंड और फ्लफी ब्रश है। ये देखिए आप, ऊपर से ये बिल्कुल राउंड है और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है इससे कलर। इसमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है। ये आपके सारे आई मेकअप कलर्स को ब्लेंड करने के लिए है, ताकि पता ना चले कौन सा कलर कहाँ से शुरू हुआ और कौन सा कलर कहाँ पर खत्म हुआ। आप अपने जितने भी कलर्स अप्लाई करते हैं आई मेकअप में, आप उन सबको इनसे अच्छे से इससे ब्लेंड कीजिए। आप इस पर कोई भी कलर अप्लाई मत कीजिए और इसे आप बिल्कुल क्लीन रखिए। अप्लाई करने के लिए आप दूसरे ब्रशेस को यूज कीजिए, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी, और इस ब्रश से आप सारे कलर्स को ब्लेंड कीजिए, ताकि आपकी आई मेकअप लुक बहुत ही अच्छे से उभर के आए और बिल्कुल ब्लेंडेड लगे। तो ये ब्रश आपके पास जरूर होना चाहिए। ये मॉर्फी का ब्रश है, मेरी मॉर्फी की ब्रश किट में से है, बट आपके पास आप किसी इंडियन ब्रांड का भी इस तरह का ब्रश ले सकते हैं। पैक कॉस्मेटिक्स के ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे प्राइस पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस मिलते हैं। मैं इसी टाइप के ब्रश का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा ब्रश है। सेकेंड ब्रश है क्रीज ब्रश। ये इस तरह का ब्रश है, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश ही है, लेकिन ये राउंड नहीं है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से पिंच्ड है, ये टेपर्ड है यहाँ से, इसमें भी बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है। ये एक मल्टीपर्पज ब्रश है फ्रेंड्स। इससे आप अपने कलर को अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। आप आगे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि मैंने इस ब्रश को कैसे यूज किया है। ये बहुत अच्छा ब्रश है, इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। पैक कॉस्मेटिक्स में भी इस तरह का ब्रश आता है। थर्ड ब्रश है फ्रेंड्स एक फ्लैट आई शेडो ब्रश, जो कि सबके पास कॉमनली अवेलेबल है। हर ब्रांड में इस तरह का ब्रश आता है। इससे आप अपने लिड पर कलर अप्लाई करते हैं, जो हमारे शिमरी कलर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने लिड पर शिमरी कलर्स ही अप्लाई करते हैं, तो ये उसी के लिए होता है। इससे आप कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इस तरह के 2 ब्रशेस भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। बट अगर आप एक भी ब्रश लेंगे तो शुरू में आप उससे लिड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कट क्रीज करना चाहते हैं तो भी ये ब्रश बहुत अच्छा है। हाँ, आप इसके छोटा साइज ले सकते हैं अपनी आई शेप के हिसाब से, अपने लिड के स्पेस के हिसाब से। आप थोड़ा सा छोटा आई शेडो ब्रश भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी मस्ट हैव है फ्रेंड्स। इसमें भी आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ये भी मॉर्फी का है, मेरा M167। पैक कॉस्मेटिक्स में या किसी भी अलग अदर ब्रांड्स में भी इस तरह के ब्रशेस आते हैं, आप उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, ये है एक पेंसिल ब्रश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी होता है ये ब्रश आपकी आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। पेंसिल ब्रशेस भी अलग अलग साइज में आते हैं फ्रेंड्स, बट ये एक छोटा पेंसिल ब्रश है और आप देखिए इसमें उतनी ज्यादा स्टिफनेस नहीं है। तो उससे क्या है, इसमें 2 बातें हैं। एक ही समय पर ये कलर अप्लाई भी करता है और साथ ही ब्लेंड भी करता है, तो उस पर्पज के लिए ये ब्रश बहुत अच्छा है।
जब आप अपने आउटर कॉर्नर्स को डार्क कलर से इंटेंसिफाई करते हैं तब ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम डार्क कलर को बड़े ब्रश से अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैल जाता है। क्योंकि जब हम शुरू में मेकअप स्टार्ट करते हैं तो छोटे मेकअप ब्रशेस से काम करना थोड़ा आसान होता है, अगर हम शुरू में ही बड़े मेकअप ब्रश पे डार्क कलर लगाकर सीधा उसे अप्लाई करके ब्लेंड करेंगे तो वो पूरा कलर जो है आपका फैल जाएगा इधर उधर और पूरी आई लुक जो है मैसी हो जाएगी। इसलिए मैं छोटा आई पेंसिल ब्रश जो है बहुत अच्छा रहता है, और इसे आप नीचे लोअर लैश लाइन पर भी कलर आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं और ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है ये। आउटर कॉर्नर को इंटेंसिफाई करने के बाद लोअर लैश लाइन पर कलर अप्लाई करने के बाद आप इसे अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन कीजिए और उसके बाद आप इससे इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपनी ब्राउ बोन को भी इससे हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के ब्रशेस बहुत अच्छे रहते हैं। आप वही बात है कि आप एक या दो जितना आप शुरू में इन्वेस्ट करना चाहें आप इस तरह के मेकअप ब्रशेस में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो लोग ज्यादा मेकअप ब्रशेस यूज करते हैं उनका कोई यूज नहीं है, ऐसा नहीं है। हर मेकअप ब्रश का अलग यूज होता है, हर ब्रश का अलग इफेक्ट होता है, हर ब्रश का अलग काम होता है। जैसे कि ये ब्लेंडिंग ब्रश है, इसे आप लाइट कलर को तो ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्रीज में दो डार्क कलर यूज करना चाहते हैं तो आप एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह के। इस ब्रश के कंपैरिजन में देखिए दोनों ही राउंड है, लेकिन ये वाला कितना छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है और ये वाला एकदम फ्लफी है। इस तरह के ब्रश से जब आप अपने आउटर कलर को ब्लेंड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से वहीं ब्लेंड होगा जहां की आप चाहते हैं, ना कि इधर उधर फैलेगा। तो उससे ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। अगर आप चाहें तो एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी मॉर्फी का है 506, बहुत अच्छा ब्रश है मेरा। तो वही बात है फ्रेंड्स, आप शुरू में इन्हीं ब्रशेस में इन्वेस्ट कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको टेक्निक्स समझ आती हैं तो आप और ज्यादा ब्रशेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ जो मैंने इन मेकअप ब्रशेस को यूज करके किया है। सो गाइस, मैंने अपना फेस मेकअप कर लिया है, मेरी आईब्रोज भी डन है, मैं सीधा आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी। यहाँ मैं आईलिड्स प्रिपेयर कर रही हूँ। मेबलिन का फिट मी कंसीलर मैंने यूज किया है। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे चेक कर सकते हैं। देन मैं लूज पाउडर से इसे लाइटली डस्ट कर लूंगी। आज मैं कार्ली बाइबल का पैलेट यूज कर रही हूँ, आप जो चाहे पैलेट आपके पास अवेलेबल हो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश पर ट्रांजिशन कलर लूंगी और इसे अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई करूंगी और इसी से ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इससे बिल्कुल भी हार्श लाइंस नहीं रहते हैं, ये बहुत अच्छा ब्रश है। ये कलर मेरे स्किन टोन से 2 शेड डार्कर है। अब मैं इसी कलर को अपने आउटर आईलिड से भी कनेक्ट कर रही हूँ ताकि एक वी शेप का इल्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि आज मैंने टेप मेथड यूज नहीं किया है। अब क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इस कलर के एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा ब्लेंडेड इफेक्ट आता है और कोई हार्श लाइंस नहीं रहती हैं। अब मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूंगी और इन्हें आपस में कनेक्ट करूंगी ताकि एक अच्छा सा आई शेप क्रिएट हो, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। क्लीन लुक के लिए मैं पाउडर से अपने एज को क्लीन कर रही हूँ। देन मैंने ये पेंसिल ब्रश लिया है और ये उस बर्गेंडी कलर से मैं अपने आउटर कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई कर रही हूँ। अभी स्मॉल ब्रश की वजह से मैं प्रिसाइजली अपने कलर को जहाँ मुझे चाहिए मैं वहीं इसे अप्लाई करूंगी और देन फ्लफी ब्रश को टिश्यू पेपर से क्लीन करके इसे ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ पर अगर जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेते हैं तो इस कलर को ब्लेंड करने में बहुत ही इजी रहता है। मैं अगेन पेंसिल ब्रश से इस कलर को थोड़ा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ
आप थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ही आई मेकअप क्रिएट करें, एकदम से ज़्यादा कलर अप्लाई ना करें, वो ब्लेंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई करें, देन ब्लेंड करें, फिर से आप इंटेंसिफाई करें, फिर से ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग इज़ द की फ्रेंड। अब क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं इन सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी। आउटर कॉर्नर्स पर जो मैंने डार्क कलर अप्लाई किया है, इसे थोड़ा सा क्रीज लाइन में भी ब्लेंड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आई लुक में। पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इस डार्क कलर को लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इन्हें आपस में कनेक्ट भी कर लूँगी। फ्लैट ब्रश पर मैं ये लाइट लाइलैक कलर अप्लाई कर रही हूँ और सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ इस पर। इससे शिमर कलर बहुत ही अच्छे से पॉप होते हैं। इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी। अब मैं पेंसिल ब्रश से अपने आउटर कॉर्नर्स को एक बार और इंटेंसिफाई कर रही हूँ और फिर इसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी इफेक्ट आएगा। अब पेंसिल ब्रश को मैं क्लीन करूँगी अच्छे से और फिर इसी ब्रश से मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। ये मैंने कलर पॉप का हाईलाइटर यूज़ किया है और अपने ब्राइ बोन को भी मैं इसी हाईलाइटर से हाईलाइट करूँगी। और लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट नेक्स का आईलाइनर। आज मैं बहुत ही स्लाइटली सा विंग क्रिएट करूँगी क्योंकि ये बहुत ड्रामेटिक लुक नहीं है। ये लुक मैंने बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी क्रिएट किया है ताकि आप इन ब्रशेस की हेल्प से बहुत ही ईजिली इस लुक को क्रिएट कर सकें। तो सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।